हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे। तो डेली मैं यही टाइम पे उठती हूँ। अगर काम ज़्यादा होता है तो 5 बजे या कभी कभी 6 बजे, मतलब 5 या 6 बजे के बीच में ही मैं उठ जाती हूँ। तो देखिए, उठते ही बाहर का नज़ारा देखती हूँ तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और अभी मतलब जो मौसम चल रहा है ना, तो इसके हिसाब से 5:30 बजे तक तो थोड़ा बहुत उजाला तो आ ही जाता है। और अभी किचन में आ जाती हूँ तो किचन का जो काम होता है वो रात को ही मैं करके रखती हूँ। मतलब जो भी बर्तन साफ़ करने के होते हैं और गैस स्टोव को भी साफ़ करके रखती हूँ। और अभी ना किचन के विंडोज़ भी ओपन करके रखती हूँ, फिर बाद में घर में जो भी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं उन्हें समेट कर रख देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं रात को ही सारे चीज़ें समेट कर रख देती हूँ ताकि सुबह उठ के मुझे झाड़ू और पोछा लगाने में आसानी हो। लेकिन घर में बच्चे होते हैं तो जो चीज़ें जहाँ रखे जाते हैं ना वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहते। और सैनवी का ये बैग है और सैनवी के ही कुछ क्वेश्चन पेपर से तो यहाँ पे रख दिए, क्योंकि ना सैनवी रात में पढ़ाई करती है फिर वो थक जाती है ना, तो चीज़ों को उठा के जहाँ का वहाँ नहीं रख सकती, बस आके सो जाती है। तो फिर मैं अभी सारे चीज़ों को अच्छे से रख देती हूँ। और अभी ना टाइम शायद 6 बज रहा होगा और देखिए कितना अच्छे से उजाला आ गया है ना। अगर हम 5 बजे उठते तो शायद अंधेरा जैसा लगता, लेकिन 5:30 या 6 बजे तक ना अच्छे से उजाला आने लगता है। और 7 बजे तक तो हमारे घर में ना धूप भी आने लगता है, मतलब जो सूर्य की किरणें होते हैं ना वो डायरेक्ट हमारे घर में आते हैं। अगर कभी कभी लेट उठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम 8 बजे या 9 बजे उठ गए होंगे, तो ऐसा लगता है कभी कभी देर होता है तो। और यहाँ पे देखिए, आज मैं ये सीढ़ियाँ भी साफ़ करने वाली हूँ। तो रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन 2 दिन में 1 बार या 3 दिन में 1 बार, कभी कभी बारिश होता है ना तो बारिश होने से अगले दिन मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मिट्टी और जो रेत होता है ना वो आ जाता है। और बच्चों का भी ऊपर नीचे आना जाना होता है ना, ज़्यादातर तो चिन्नू नीचे जाता है क्योंकि उसे साइकिल चलाना होता है और दुकान जाना होता है। घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो चिन्नू ही जाके लाता है। और बाहर भी ना बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है क्योंकि आजकल बारिश भी होने लगी है ना, तो इसीलिए तो चिन्नू ना बस ऐसे ही आ जाता है चप्पल पहन के, और मुझे ना देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और वहाँ से आना जाना भी, तो इसीलिए मैं अच्छे से पानी से साफ़ करती हूँ। तो देखती हूँ, अगर 1-2 दिन साफ़ रहता है तो ठीक है, लेकिन साफ़ नहीं दिखता है तो अगर मुझे करना है तो रोज़ भी मैं सीढ़ियाँ साफ़ करती हूँ। तो देखिए, इस तरह से पहले तो मैं सीढ़ियाँ साफ़ करने लगी क्योंकि भाभी उठती है ना, तो भाभी बाहर का झाड़ू और पानी छिड़कना, रंगोली वगैरह डालती है, तो इसीलिए जब भी मुझे ये काम करना होता है तो सबसे पहले सीढ़ियों को ही मैं साफ़ करती हूँ पानी से, फिर बाद में यहाँ पे बालकनी भी साफ़ कर देती हूँ। तो जब भी मैं सीढ़ियाँ साफ़ करती हूँ तो उस टाइम पे बालकनी भी साफ़ करती हूँ। और अभी ना सभी कमरों में झाड़ू लगा देती हूँ। पहले तो किचन से शुरू करती हूँ, फिर बाद में दोनों बेडरूम में और लास्ट में इस हॉल में। और जब हॉल में झाड़ू लगाती हूँ ना तो हवा भी चलने लगती है, तो इसीलिए दोनों जो दरवाजे हैं ना उन्हें बंद करके इस तरह से झाड़ू लगाना पड़ता है, सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं ना तो हवाएं भी तेज़ आने लगता है। सुबह के टाइम पे तो मैं बता नहीं सकती, ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और शाम को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी देखिए, यहाँ पे एक बंदर आ गया है, तो आजकल ना बंदर भी कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं, इस तरह से घर के ऊपर आते हैं और उन्हें जो मिलता है वो लेके खाते हैं। और मतलब उन्हें हम कुछ नहीं कहते हैं ना तो वो अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी बाहर रखते हैं सुखाने के लिए और भूल जाते हैं ना, तो इस तरह से बंदर आते हैं और जो भी हम सुखाते हैं उसे लेके जाते हैं। तो इसीलिए कुछ भी सुखाते हैं तो उधर भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ना आजकल बंदर जो है आने जाने लगे हैं, तो इसीलिए ध्यान भी रखना होता है।
और अभी तक ना बच्चे भी नहीं उठे हैं, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे घर के सारे काम होने के बाद ही मैं बच्चों को उठाऊँ। अगर बच्चे जल्दी उठते हैं तो मेरे काम भी जल्दी से नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए 7 बजे तक मैं सारे काम कर लेती हूँ, फिर 7 बजे बच्चों को उठाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभी ना बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो मेरे काम लेट हो जाते हैं, और अभी ना बच्चे लेट से ही उठ रहे हैं क्योंकि बीच में उन्हें हॉलीडेज मिले हैं ना, तो उस टाइम पे लेट से सोना लेट से उठना ये आदत हो गया है, तो इसीलिए अपने रूटीन में आने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और आजकल तो लेट से ही उठ रहे हैं, मैं 7 बजे कोशिश करती हूँ उठाने के लिए, तो 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक उठ जाते हैं, और उठने के बाद ना इतना जल्दी करते हैं तैयार होने में स्कूल जाने में, मैं बता नहीं सकती। और देखिए पोछा लगा देती हूँ, फिर बाद में जो भी कपड़े हैं धोने के लिए वो मशीन में डालती हूँ, तो मैं रोज़ यही करती हूँ, नहाने से पहले ही जो कपड़े धोने के होते हैं वो मशीन में डाल के रखती हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो अभी मैं मशीन को चला के फिर कपड़ों को भी पानी से निकाल के सुखाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता है, बच्चे स्कूल जाने के बाद ही आराम से मैं मशीन को चलाती हूँ, या फिर पहले ही मशीन को चला के फिर बाद में कपड़ों को पानी से निकालती हूँ। मतलब जैसा टाइम होता है उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम पर स्कूल जाना होता है और उनको टाइम पर नाश्ता वगैरह करके देना होता है ना, तो इसीलिए जो भी मेरे काम होते हैं वो टाइम के हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और देखिए मेरे सुबह के जो भी ज़रूरी काम हैं वो तो हो गए हैं, फिर बाद में मैंने बच्चों को उठाया है, तो देखिए बच्चे आज जल्दी ही उठ गए हैं, मतलब जैसे मैंने उठाया वैसे ही उठ गए हैं। और अभी मैं नहा के आ जाती हूँ और पहले तो रंगोली डाल देती हूँ, तो रंगोली जो है डेली डालती हूँ। और किसी ने पूछा है कि डेली चौखट को भी हल्दी कुमकुम लगाते हो क्या करके, तो चौखट की जो बात होती है वो कोई कोई डेली लगाते हैं, या कोई कोई ना जैसे शुक्रवार को मंगलवार को लगाते हैं, मतलब कोई कोई ना रोज़ पूजा नहीं करते, जिस दिन वो पूजा करते हैं उसी टाइम पे चौखट को भी हल्दी कुमकुम से अच्छे से सजाते हैं। मैं भी वैसे ही करती हूँ, मतलब रोज़ तो चौखट को हल्दी कुमकुम नहीं लगाती हूँ, लेकिन रंगोली तो रोज़ डालती हूँ। अगर जो स्पेशल डेज होते हैं जैसे त्यौहार वगैरह होते हैं तो उस टाइम पर तो चौखट की पूजा और रंगोली भी ज़रूरी होता है। फिर बाद में ना मैं तैयार होकर किचन में आ जाती हूँ, पहले तो नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। और आज की पूजा जो है मैं नहीं कर रही हूँ, इनसे कहा है करने के लिए, तो रोज़ अगर मुझे पूजा करना है तो घर के कामों से ना लेट हो जाता, तो इसीलिए कभी कभी ये करते हैं, कभी कभी चिन्नू से कहती हूँ पूजा करने के लिए, तो डेली जो पूजा होता है ना वो सिंपल होता है, तो इसीलिए मैं कभी कभी बच्चों से कहती हूँ या इनसे, अगर मुझे अच्छे से करना है थोड़ा टाइम लेके करना है तो मैं करती हूँ। तो अभी देखिए आज नाश्ते में ना मैं उपमा बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए पहले कढ़ाई लेके उसमें घी डाल के सूजी को अच्छे से भून लेते हैं, और दूसरे तरफ मैंने थोड़ा सा उड़द दाल लिया है उसे भिगो कर रख देती हूँ। उड़द दाल और चने का दाल भी हम ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, या दोनों में से एक भी हम इस तरह से थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रख सकते हैं, या फिर इन दोनों को हम चौक में भी डाल सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, भिगो कर ही डालती हूँ। फिर बाद में देखिए प्याज और मिर्ची को भी कट करके रखा है, और दूसरी तरफ देखिए जो सूजी हमने अच्छे से भून के रखा है ना वो अलग करके उसी कढ़ाई में तेल डाल के रखा है। तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा और राई डाल देती हूँ, और थोड़ा सा करी पत्ता था तो वो भी मैं निकालती हूँ। तो उपमा में ना करी पत्ता डालना ज़रूरी होता है, करी पत्ता डालने से ही उपमा का जो स्वाद है वो अच्छा लगता है। अगर करी पत्ता नहीं होता है तो हरी धनिया को भी डालना चाहिए, दोनों होते हैं तो ठीक है, नहीं तो करी पत्ता तो होना ही चाहिए उपमा बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे करी पत्ता को भी मैं डाल देती हूँ, फिर बाद में हरी मिर्च और प्याज को भी डालते हैं। तो करी पत्ता ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहने के लिए ना हम एक कवर में रख के उसे फ्रिज में रखते हैं, तो बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है। अगर ये टिप आप सभी को मालूम है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। और वो वाला करी पत्ता ना हम गांव गए थे ना तो वहाँ से लाई थी, तो बहुत ज़्यादा अगर हम एक ही बार करी पत्ता लाते हैं तो इस तरह से हम रख सकते हैं।
और अभी यहाँ पे ना मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, फिर बाद में इसमें जो उड़द दाल को हमने भिगो कर रखा है ना वो भी डाल देती हूँ। ये डालने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। फिर बाद में जिस कप से हमने सूजी लिया है ना, तो एक कप सूजी लेते हैं तो 2 कप पानी डालना चाहिए, तो वही मैं क्या बोलते हिसाब से डाल रही हूँ। फिर बाद में स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से खोलने के लिए रख देते हैं। तो नमक डालने के बाद ना एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि नमक ठीक है कि नहीं, क्योंकि उपमा में ना नमक से ही स्वाद बनता है। अगर हरी मिर्च कुछ कम या ज़्यादा होने से ठीक होगा, लेकिन नमक जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो नमक सही था। फिर बाद में पानी खोलने के बाद सूजी को धीरे धीरे डालते हुए इस तरह से चलाना चाहिए। तो देखिए धीरे धीरे हम इसे चलाते हैं, तो 1 मिनट में ना ये अच्छे से बनकर तैयार होता है। तो बस इसे अभी चलाने के बाद चाहे तो हम ढक के रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रखते हैं तो उपमा जो है बन जाता है। तो बस नाश्ता तो बन चुका है, तब तक बच्चे भी तैयार होके आ गए हैं। और अभी ना मैं सैंडविच के चोटी बना रही हूँ, वो भी रिबन्स के साथ। अगर इस तरह से रिबन से चोटी बनाते हैं ना तो थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा लगता है, मुझे तो टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि रिबन्स के साथ जो हम फूल जैसे बनाते हैं ना वो दोनों तरफ भी ठीक से आना चाहिए, क्योंकि दिखने में भी सुंदर होना चाहिए ना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हुए ही मैं बनाती हूँ। फिर बाद में बच्चों को नाश्ता डाल के दे देती हूँ। तो इस तरह से उपमा जब हमारे घर में बनता है ना, तो उपमा के साथ अचार होना चाहिए, अचार या घर में जो चटनी बनता है वो होना चाहिए। और ये जो अचार है ना, ये बाहर का ही अचार है, टमाटर का अचार। तो उपमा के साथ टमाटर का अचार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो परफेक्ट होता है। और अभी बच्चे नाश्ता कर लिए और स्कूल के लिए निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ना मैं चिन्नू को डांट रही हूँ, क्योंकि चिन्नू टाई नहीं पहना है और बाहर निकला है स्कूल जाने के लिए, फिर मेरे डांटने पर फिर से आ गया है। तो उसे ना टाई पहनने का भी टाइम नहीं था, बस वैसे ही निकल रहा था, फिर मेरे डांटने पर आ गया है, और फिर बाद में टाई पहन के स्कूल चला जाता है। चिन्नू के बाद सैंडविच भी चली जाती है। तो देखिए बच्चे जाने के बाद यहाँ पे मैं ये कुछ चने लेती हूँ, तो इन्हें ना साबुत चने कहते होंगे, तो इतना मैंने चने लिए हैं। और अभी इन्हें मैं अच्छे से साफ़ करके भिगो कर रखती हूँ। तो अभी सुबह के टाइम पे भिगो कर रखती हूँ ना, तो शाम तक या दोपहर तक अच्छे से भीग जाते हैं। और फिर बाद में देखिए यहाँ पे हॉल में ना सभी जो भी सामान होते हैं रात को ही मैं अंदर रखती हूँ, लेकिन अभी सुबह होते ही सभी को निकाल के यहाँ पे रखती हूँ, जो चेयर्स वगैरह है। और आप कह रहे थे कि हॉल में सोफ़ा लेने के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए तो हम सोफ़ा नहीं लेने वाले हैं, देखेंगे आगे, मतलब इस घर में तो नहीं हो सकेगा, और आगे हमारा खुद का घर होता है तो हम सोचेंगे, क्योंकि घर के हिसाब से सामान लेना होता है। और अभी देखिए हमने नाश्ता कर लिया है और मैंने चाय भी बना दी, और ये जो अप्पालू हमने दसरा के टाइम पे बनाए थे ना, तो कुछ ही अप्पालू बचे थे, तो चाय के साथ इस तरह से अप्पालू खाना अच्छा लगता है, तो बस वही हम चाय के साथ 1-2 अप्पालू ले लिए। तो फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।